नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत के लिए यह ऐतिहासिक पल है। फिल्म मेकर SS राजामौली की मूवी RRR के सॉन्ग नोटू नोटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है। नोटू नोटू ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीता है। MM कीरावनी ने अवार्ड लेते हुए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उनकी स्पीच भी चर्चा में बनी हुई है। इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। मेकर्स ने RRR मूवी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जीत की खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि हम धन्य हैं कि RRR सॉन्ग नोटू नोटू के साथ बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में भारत का पहला ऑस्कर लाने वाली पहली फीचर फिल्म है। कोई भी शब्द इस अलौकिक पल को बयां नहीं कर सकता। दुनिया भर में हमारे सभी फैंस को इसे समर्पित ये अवार्ड, धन्यवाद। जय हिंद। ऑस्कर अवार्ड नाइट में स्टेज पर नाटू नाटू के सिंगर्स राहुल सिंपली गुंज और काल भैरव ने लाइव परफॉर्मेंस भी दी। उनकी ये परफॉर्मेंस वायरल हो गई है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग नाटू नाटू की धुन पर थिरकते नजर आ रहे थे। स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। स्टेज पर नाटू नाटू के सेट को भी रिक्रिएट किया गया। वहीं भारत की फिल्म RRR फिल्म के गाने में नाटू नाटू ने अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता और इतिहास रच दिया। वहीं समारोह में भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट्स फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। इस अवार्ड के बाद भारत में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर RRR और द एलिफेंट विस्पर्स के मेकर्स को बधाई दी है। असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए MM किरवानी और चंद्र बोस समेत पूरी टीम को बधाई। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित। पीएम मोदी ने द एलिफेंट विस्पर्स को भी ऑस्कर मिलने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि इस सम्मान के लिए द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम कार्तिकी गुंसाविल और गुनीत मोंगा को बधाई। आपका काम आश्चर्यजनक रूप से विकास और प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वजीराबाद के महबूबाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि आने वाले समय में कोलकाता में पार्टी का महाअधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में पार्टी को मजबूत करने के लिए हम चर्चा करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें जीतने का है तो बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराने का उनका लक्ष्य होगा। कार्यक्रम कलकत्ता में है। हमारी पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और अपनी राय देंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हारे। याद कीजिए आप बलवंत सिंह की जान कस्टोडियन डेथ हुई। सरकार ने कहा कि हम करोड़ों रुपए देंगे, पत्नी को सरकारी नौकरी देंगे। वहाँ के सांसद विधायक करोड़ों रुपए दे रहे थे, न करोड़ रुपए मिले उस परिवार को, न उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। और उसके बाद जो घटना हुई है माँ बेटी की, जिंदा जला दिया प्रशासन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर संस्कृति भारत की पहचान नहीं हो सकती। जो लोग ये नारा देते हों सबका साथ सबका विकास, उनकी पहचान बुलडोजर नहीं हो सकती। एक माँ बेटी वो मार दिया समाज। खबर यूपी के सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र से है जहाँ प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग युवक की हत्या कर दी गई। फांसी के फंदे पर लटका मिला नाबालिग का शव। मां ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर रायबरेली से है जहां बछरावा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस मारपीट में
तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। कपला से उम्र है उनकी 40 साल, ये CSC बछरावा से रेफर किए गए हैं। बाकी इनके सर में चोट आई है, बाकी बाएं हाथों में चोटें हैं, बाकी कई जगह शरीर में मल्टीपल चोटें हैं। बाकी इनके साथ जो अटेंडेंट है उनके पूछने में पता चला है कि मारपीट का केस है, मारपीट क्यों है तो जांच का विषय। बाकी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना जिला मोड़ क्षेत्र के आवास विकास के कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब स्थानीय लोगों ने खाली पड़ी जमीन में करीब 4 साल के मासूम बच्ची के शव पड़े होने की खबर सुनी। आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए DCP ने बताया कि फिलहाल इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस की 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। उम्मीद है जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बच्ची के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि बच्ची के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और माँ मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। 11 बजे थाना टीला मोड़ क्षेत्र के पंचशील कॉलोनी में एक लगभग 4 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची की पहचान उसके परिवारजनों द्वारा कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है और मौके पे FSL और डॉग स्क्वाड को बुला के कार्रवाई कराई जा रही है। घटना के निवारण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। आगे वही गोरखपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और यूपी में हो रहे विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी है, साथ ही विपक्ष पर भी उन्होंने इस दौरान जमकर निशाना साधा। कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर प्रारंभ हुई है। आज हम सब इस बात को देखते हैं। हम लोग जब सांसद बने थे 1998 में, अब हम लोगों को 100 रसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे। अनुमान कर सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी उस समय रही होगी, 100 कनेक्शन से कितने लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते थे। और आज आप देखते होंगे कि हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं देखा। विगत यानी 2016 से योजना चली और 2016 से 2023 के बीच में जब हम यहां पर खड़े हैं, आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, आप बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी स्थिति थी, 20,000 रुपये आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में। आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्हें बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ रेड का जिक्र करते हुए नीतीश पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश को पलटू राम बताया, कहा कि पहले तो नीतीश खुद कार्रवाई की मांग करते थे और अब कार्रवाई होने पर उन्हें तकलीफ हो रही है। व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल है, मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया, और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा, ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो नौकरी लो, इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो, तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है, तुम अपनी जमीन दोगे हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। वहीं रायबरेली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने हरचंदपुर के गुनावर गांव में होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाल ही के बयानों को लेकर पलटवार किया। उनका कहना है कि मोदी और योगी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। विपक्ष सरकार पर बदनाम करने की साजिश के तहत अनर्गल बयानबाजी कर रही है। वहीं चुनावी साल के बीच कौशल किशोर ने दावा किया कि अब की बार पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में बीजेपी 350 सीटों से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। तो मालूम है नशा मुक्त होली मिलन समारोह है और सबकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी सबकी, कि अपने नुकसान के बारे में, अपने शरीर के बारे में, देश के विकास में जो बाधा है, परिवार के विकास में जो बाधा है, वो सबसे बड़ी नशा है। किसी प्रकार का नशा, लोगों की जिंदगी इस चीज़ से ख़राब हो रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, 200,00,000 लोग हर साल नशे से मर रहे हैं। नशे से बचाना है, अपराध नशे की वजह से हो रहे हैं, नशे से हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीज जा रहे हैं, थाने में भीड़ लगती है, अदालत में भीड़ लगती है। नशा मुक्त अगर देश बन जाएगा तो निश्चित तरीके से हमारा देश उन्नति करेगा और आगे बढ़ने का काम होगा, इसलिए नशा मुक्त। दिल्ली के जंतर मंतर में देश के रिटायर सैनिक धरने पर बैठ गए हैं और ये धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वन रैंक वन पेंशन को देश भर के रिटायर सैनिक सरकारी जुमला बता रहे हैं। हालांकि ये धरना लगातार जारी है। शनिवार को पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी ने कहा कि ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने ओआरएस जेसीओ ओनेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन रैंक को न्याय दिलाने के साथ ही भारत सरकार से मांगे मनवाने के लिए पूरे देश के पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर में 20 फरवरी से आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन तेज करने के लिए 12 मार्च को बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से पूर्व सैनिक जंतर मंतर में एकत्रित होंगे। साथ ही कहा कि खटीमा से भी 23 पूर्व सैनिक जंतर मंतर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों के मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमारी आवाज़ को आगे तक सोशल मीडिया में ले के जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया है कि ना तो किसी न्यूज़पेपर में इसको देते हैं, हमारी ओआरओपी की जो मांग है भाग दो की, ना ही किसी चैनल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तक नहीं बताते हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आप हमारे से इंटरेक्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया में इस बात को फैलाएंगे। जहां तक हमारे साथ अन्याय होने का प्रश्न है, तो हम लोगों ने वन रैंक वन पेंशन जो मांग किया था, वो उसका आधार ये था कि जो यंग एज में आर्मी को यंग रखना होता है लड़ाई के लिए, तो यंग एज में अगर उनको रिटायर करना है तो उनके ऊपर 40-45 साल की उम्र में जो है बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, हायर क्लासेस में उनकी मैरिज और भी फैमिली जो ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको जो है ओआरओपी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसके लिए हम प्रतापगढ़ में कांग्रेसियों ने जमकर नारे लगाए। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में विपक्ष उपनेता के रूप में मनोनीत होने के बाद कांग्रेसियों ने रोड पर उतरकर खुशी का इजहार किया और लालगंज में इंदिरा गांधी चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी पर झूमते नजर आए। कांग्रेसी और लालगंज कैंप कार्यालय पर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए भी इस दौरान नजर आए। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है। एक तरफ जहां सरकार गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए तमाम विकास कार्य करती है, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ गांठ विकास कार्यों में करप्शन कर बंदर बांट कर देते हैं। इसका सीधा प्रमाण ग्राम पंचायत डहौली में देखने को मिला, जहां पर बनाई गई पुलिया 6 महीने के अंदर ही टूट कर ध्वस्त हो गई। पुलिया निर्माण हुआ था, इसके संबंध में आप ही के माध्यम से जानकारी मिली है और मैं किस तरह का निम्न स्तर का कार्य हुआ है जो 6 महीने के अंदर ही टूट गया है, इसका परीक्षण करा करके जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। 2-4 महीने से बना है ये, आमगांव जाना है, आमगांव से बहरडी तो धौरपुर रोड बहुत कीचड़ था, इसमें नाली पानी बहाव नहीं था तो पुलिया की जरूरत पड़ा, नहीं बना परेशानी बढ़ा। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया। अब यूपी के 633 नगर निकायों में प्रभारियों की घोषणा के साथ ही ये ऐलान भी कर दिया गया है कि आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा गया कि निकाय चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला तो हाउस टैक्स ऑफ और वाटर टैक्स माफ कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस चुनावी दंगल के लिए 15 दिनों तक आप सदस्यता अभियान चलाएगी और नगर पंचायत के वार्ड में 100, नगर पालिका में 500, नगर निगम में 1000 सदस्य बनाए जाएंगे। इसी बीच एक और कुछ घोषणाएं की गई हैं, वो आपको सुनवाते हैं। 40 रुपए किलो आलू खरीदा है तो ये पैसा कहां जाता है? किसान को मिल रहा है 6.5 रुपए, बिचौलिया कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, जमाखोरी होती है, बाजार में कमी होती है तब आलू निकाला जाता है और वही आलू फिर 40 रुपए किलो कालाबाजारी के माध्यम से मिलता है। मैं अब पूछना चाहता हूं कि 650 रुपए ही क्यों? किसान को 50% तो मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले मांड्या में एक रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आई, लंबी लंबी कतारें हर तरफ नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूलों से बारिश की गई, लोगों ने जयकारे भी लगाए। जब भी
इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है तब दो महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्ण राजा वड़ियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर के आम महत्व समझा और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटक बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता बल्कि ये रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। सिर्फ कर्नाटका में ही बीते वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट में हमने पूंजी निवेश किया है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे, कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां देश के मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।